हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फाजान रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बड़े मजे में होंगे। तो आई रियली लव ऑल कंट्रीज, एंड जब भी मैं किसी कंट्री के ऊपर रिएक्शन देता हूँ तो मुझे अच्छा रिस्पांस आता है। तो मैं कंट्री के ऊपर उस कंट्री के ऊपर रिएक्शन देता हूँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है फिलहाल मुझे बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश के कुछ वीडियोस के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया था तो लोग और भी रिक्वेस्ट कर रहे और भी चाह रहे कि यार आप बांग्लादेश के ऊपर रिएक्शन दो। सो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बांग्लादेश। सो मुझे कुछ भी फैक्ट्स नहीं पता बांग्लादेश की, काफ़ी और कंट्रीज़ के ऊपर मैं रिएक्शन दे चुका हूँ, जैसे इंडिया, नेपाल और भी कंट्रीज़ है जिसके ऊपर मैं रिएक्शन दे चुका हूँ। तो बट आज हम रिएक्शन देने वाले हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बांग्लादेश। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ही बात ये बता दें कि इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड ऊपर आई कार्ड में मेरे ब्लॉग चैनल के लिंक है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसको। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ बांग्लादेश के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। बांग्लादेश का मतलब होता है बंगालियों का देश, और बांग्लादेश दुनिया का पहला ऐसा एक देश है जहाँ के लोग भाषा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और ये देश भाषा के ऊपर आधारित करके बनाया गया। बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक देश है और आबादी के हिसाब से ये दुनिया में 8वें नंबर पे आता है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल सुंदरबन का ज़्यादातर भाग बांग्लादेश में आता है, और यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर सारे दुनिया में प्रसिद्ध है। बांग्लादेश में सादा किस्म का रॉयल बंगाल टाइगर देखा जाता है जो बहुत ही सुंदर और आकर्षणीय है। बांग्लादेश का ज़्यादातर भाग गंगा के द्वारा बना हुआ डेल्टा के ऊपर आता है, इसीलिए यहाँ की ज़मीन दुनिया का सबसे उर्वर ज़मीनों में से माना जाता है। इसीलिए यहाँ का ज़्यादातर आबादी कृषि के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। बांग्लादेश दुनिया भर में मुस्लिन और सिल्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बांग्लादेश का जातीय संगीत भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। दुनिया के ज़्यादातर देशों में मौसम 4 होता है, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बंगाल में मौसम 6 होता है। यूनाइटेड नेशन का सैन्य विभाग में सैनिकों का एक बड़ा अंश बांग्लादेश से आता है। बांग्लादेश में हर रोज 2000 से ज्यादा अखबार छापा जाता है, लेकिन वहाँ पे पढ़ने वालों की संख्या वहाँ के आबादी का सिर्फ 15% है। भारत और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश साउथ एशिया का तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था है, और बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में भ्रष्टाचार की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और करप्शन की तरफ से यह दुनिया में 14 नंबर पे आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का 30% से ज़्यादा आबादी गरीब है। बांग्लादेश का ज़्यादातर आबादी मुसलमान है, और यहाँ पे लड़कियों को दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी सम्मान के नज़र से देखा जाता है। एक समय पे यूनाइटेड बंगाल अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का केंद्र माना जाता था, और यहाँ पे बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों का जन्म हुआ। इसीलिए अंग्रेज बंगाल को तोड़ने का और बंगालियों को एक दूसरे से लड़ाने का कोशिश करते रहे। भारत के महान दिग्गज गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगालियों के बारे में कहा कि बंगाल जो आज सोचता है भारत वो कल सोचेगा। बंगाली लोग ज़्यादातर शांत किस्म के होते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ कट्टरपंथियों की वजह से बांग्लादेश में हिंसा की मात्रा काफ़ी बढ़ी है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए क्यों अच्छा नहीं लगा। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मुझे तो कुछ चीज़ों में अच्छी लगी, कुछ चीज़ों में अच्छी नहीं लगी। जब हमने 4-5 क्लास में बुक में पढ़ा कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, फिर जब 9-10 या 7-8 में हमने पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी, उसमें ये कहा गया कि 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, तो उसमें ये की रीज़न बताई गई कि लैंग्वेज की वजह से बांग्लादेश अलग हुआ है। वो लैंग्वेज मुझे बात समझ नहीं आती कि किस वजह से। जब आगे आए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा कि यार बांग्लादेश सिर्फ अपनी लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज को रखने के लिए बांग्लादेश जो है ना उसने क्या बोलते हैं कि उसने लिबरेशन की और पाकिस्तान से अलग हुआ। और कुछ ऐसी रीज़न भी थी जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ लड़ा के बांग्लादेश को बंगालियों पाकिस्तानियों को लड़ा के बांग्लादेश को अलग कर दिया। हर कंट्री का लोगों, देखो अगर कोई तंग होता है किसी कंट्री से तो वो उससे अलग होना चाहता है, जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होना चाहता था, अलग हो गया। अब जैसे कि तो अब जाहिर सी बात है, जब इंडिया से कश्मीर अलग होना चाहता है तो कश्मीर को भी अलग कर दिया जाए, ये
बात है। सो और देखा जाए तो मैंने एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया था एक डेढ़ महीने पहले मिस वर्ल्ड बांग्लादेश 2019 के ऊपर, उसमें कहा गया था बांग्लादेश द लैंड ऑफ रिवर, तो उसमें अभी इसमें यही पता चला कि वहाँ पे ज़्यादातर नदियाँ हैं और इस वजह से वहाँ पे काश्तकारी की बहुत ज़्यादा की जाती है, काश्तकारी मीन्स एग्रीकल्चर और ये काम वगैरह। दूसरे नंबर पे मेडिसिन पे काफ़ी अच्छे नंबर पे आता है और मेडिसिन में उन्होंने नहीं बोला, सिल्क कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स में भी काफ़ी आगे नंबर पे आता है। मैंने कुछ दिन पहले जब वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बोला था कि पाकिस्तान सा कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी बांग्लादेश के ऊपर, तो मैंने उसमें ये कहा था कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से ट्रेड करे और ट्रेड किस चीज़ की करेगी, कपड़ों की करे और ये मेडिसिन की, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी और इस कंडीशन की वजह से दोनों कंट्री उभरेंगी। इस टाइम पे 7% ग्रोथ रेट है बांग्लादेश का, 6% पाकिस्तान का और 5% इंडिया का है। तो देखिए तीनों कंट्री में से बांग्लादेश आगे है, नंबर वन पे बांग्लादेश, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड पे इंडिया है। सो इससे हम इससे भी कर सकते हैं कि यार बांग्लादेश के साथ अगर पाकिस्तान ट्रेड करे तो, बट ट्रेड इस तरह नहीं भी हो सकती क्योंकि बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता नहीं है और वहाँ पे मतलब अलग है। सो जो भी है अगर ट्रेड हो भी जाए ना तो बहुत अमेजिंग काम होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के मेडिसिन के मामले में। पाकिस्तान अगर जितना जो मेडिसिन वगैरह होती है इंडिया से लेती है, तो अगर वो बांग्लादेश से ले रही तो इंडिया बांग्लादेश का इकोनॉमिक कंडीशन और भी अच्छा होगा। पाकिस्तान से वहाँ पे प्याज, आलू और टमाटर जाते हैं, जब वहाँ पे पाकिस्तान में टमाटर कम होते थे, इंडिया से टमाटर आते हैं, इंडिया से मेडिसिन आती है, पाकिस्तान से खजूर जाते, छुआरे जाते, ये चीज़ें जाती है। सो ये एक अच्छी बात है और पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में देखे जाते हैं और हर इंडियन ड्रामे पाकिस्तान में बैन है। सो कोई देखना चाहता है तो इंटरनेट पर देख सकते हैं। सो और अच्छी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ गलत बताएं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई अच्छी सी वीडियो के लिए आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर रिएक्शन दूँ। तो आज के लिए इतने का भी, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए उससे पहले बोलने से पहले आपको यही बात बता दूँ कि एकदम दोनों साइडों पे मेरे ब्लॉग चलने के लिंक मिलेगा आपको, इधर या इधर मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स आते हैं मेरे, तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतने का भी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।